नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। राजस्थान की वसुंधरा सरकार की एक कोशिश ने कैसे राजनीति में बेटियों की जगह पक्की की है, आज आपको उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी अजमेर की जिला प्रमुख वंदना नोगिया उन्हीं कोशिशों का नतीजा है जो अक्सर मुश्किल और नामुमकिन कहे जाने वाले राजनीति के क्षेत्र में नए सितारे की तरह चमक रही हैं। पहाड़ियों से घिरा ये राजस्थान का अजमेर जिला है जो बेटियों की शिक्षा के लिए अलग पहचान रखता है। देश के नामी परिवारों की बेटियां यहाँ के सोफिया कॉलेज में पहुंचती हैं और ख्वाजा की इस नगरी पर निगाह देश ही नहीं दुनिया की रहती है। इसी अजमेर को दुनिया की निगाह में लाने का काम यहाँ की एक बेटी कर रही है। प्रधानमंत्री के शौचालय अभियान में बढ़त लेने वाली इस बेटी का नाम वंदना नोगिया है, जिसे महिला आरक्षण की वजह से पहली बार जिला प्रमुख बनने का मौका मिला है। पढ़ाई करते करते मैंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़ते मुझे जीत हासिल हुई और इसी के साथ सामने हमारे कांग्रेस की पार्टी से कोई भी कैंडिडेट नहीं था और मुझे निर्विरोध निर्वाचित में बीजेपी कैंडिडेट से जिला प्रमुख बनी। 8 फरवरी 2015 को 23 साल की उम्र में निर्विरोध जिला प्रमुख बनी क्योंकि 65 साल तक राज करने वाली कांग्रेस के पास महिला दावेदार तक नहीं थी और अब वंदना इस अवसर को उपलब्धि में तब्दील करने में जुटी हैं। मार्च 2016 तक तय किए गए 52,000 शौचालय के लक्ष्य को वे 6 महीने पहले पूरा कर चुकी हैं, तो बेटियों से जुड़ी तमाम योजनाओं को लागू करना इस 23 वर्षीय बेटी की प्राथमिकता है। 4 भाई बहनों में वे अकेली बेटी हैं जो एडवोकेट पिता के सपने को पूरा कर रही हैं, तो किसी जमाने में पार्षद रहे दादा की राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा रही हैं। मुझे समाज सेवा का और लोगों की सेवा करने का बेशक मुझे मौका मिला है और मुझे रुचि भी थी, साथ ही पढ़ाई करते करते मुझे एक मौका मिला था कि हमने इलेक्शन लड़ा और जीत हासिल हुई और उसके साथ मुझे ये दायित्व मिला है कि लोगों की सेवा करने का, उन्हें जागरूक करने का कि मैं लोगों को कितनी सहयोग कर सकती हूँ उनका। पढ़ाई के साथ साथ दुर्गा वाहिनी में उनकी सक्रियता ने जिला प्रमुख बनने में बड़ी भूमिका निभाई, तो अब भी राजनीति के साथ साथ पढ़ाई की कीमत वे बखूबी समझती हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली यही संदेश है कि वे शिक्षित होवे, जागरूक होवे, किसी के भरोसे ना जीकर अपना खुद का अस्तित्व बनाए और अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। मध्यम वर्गीय परिवारों की बेटियों की तरह वंदना ने भी बीएड और एमएससी की पढ़ाई की है, तो अब राजनीति की पाठशाला में वे इस क्षेत्र की चुनौतियों से पार पाने की गुर सीख रही हैं। छोटी सी उम्र में मिली इस सफलता पर इतराने की बजाय वे भविष्य मजबूत बनाने में जुटी हैं। अजमेर की शान वंदना देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। राजनीति के गुर सीखने वाली 23 साल की ये बेटी नए राजस्थान की नींव रख रही हैं, तो दिल्ली की दो बेटियां सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में जुटी हैं। कल आपको मिलवाएंगे इस युगल जोड़ी से। बस आप देखते रहिए, आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।